बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए आज हम बात करते हैं पंच भीखू की कहानी के बारे में, जिसे कार्तिक मास में सुनने से कार्तिक के व्रत और स्नान का पूरा फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। पराए पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसका माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया और सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गले डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है? वह बोली, सुआ सुआ, सुबह तेरे पग ढालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी वह सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा। वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आँख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान ने से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा कि वह आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वो तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसीलिए यह रोग लगा है। तब ब्राह्मण ने पूछा कि ये कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए, उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है, उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराए पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया।
तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पुनो नहाई पड़वा नहाई, पांच रतन पंच तीरथ पंच भिखम नहाई। एक टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई। राजा ल्याया ब्याह के रानी बन आई, चार चक्कर चार मक्कर चार दिए की लो। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण की कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह हमने पंच भिखु की कहानी समाप्त की। नमस्कार।